नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं एसएससी क्लास। अब ये आपका कुछ पीरियोडिक टेस्ट है कि कई बच्चों का मैच हो सकता है, कई बच्चों का मैच नहीं हो सकता। ठीक है, जिसका जिसका मैच होगा नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ये 23/2/2021 को लिया गया था कोरोना टाइम, ताकि मैंने लिख दिया था कि मुझे बाद में भी याद रहे अगर मैं इसको नेक्स्ट ईयर अगर पढ़ता हूँ तो। पीरियोडिक टेस्ट वन, ठीक है, बॉयज़ का है। दो शिफ्ट चलती है, सुबह की शिफ्ट और शाम की शिफ्ट। ठीक है, ये इवनिंग वाले शिफ्ट की है। ठीक है, तो मैथ का है, 20 नंबर का है, जैसे आपको पता ही है, 1 घंटे का देना होता है। तो पहले वाले में इसमें क्या है आपका, देयर आर डैश रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स 1, 2, इन्फिनिटी, नन। हिंदी वालों के लिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, यहाँ डैश है, यहाँ पर कुछ भरना था, यहाँ पर डैश है, यहाँ पर कुछ भरना था। तो दो संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक संख्याएँ होती हैं, अपरिमित रूप से। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, इसका आंसर या अगर इंग्लिश में कहूँ तो इन्फिनिटी। ठीक है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ मैक्सिमम सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, इन्फिनिटी सॉल्यूशन, नन ऑफ दीज। कितने होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो पेज पलट लेते हैं इसके। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अधिकतम हल, केवल एक हल, दो हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, इसमें से कोई नहीं। तो अपरिमित रूप से अनेक हल, इसका आंसर हो जाएगा ग। ठीक है, लास्ट में सभी मैं आपको लिखा हुआ दिखा दूंगा। टू एंगल आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल इफ दे आर सम इज 180। दो कोण संपूरक कोण कहलाते हैं यदि उनका योग 180 होता है। ठीक है, गिव एग्जाम्पल ऑफ टू इंटरेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज अ रैशनल नंबर। ऐसी दो परिमेय संख्याओं को उदाहरण दीजिए जिनको गुणा करने पर परिमेय संख्या हो। आइए भाई साहब, आइए देखो, अलकसपन मत दिखाइए। ये रहा आपका, ठीक है, इन्फिनिटी सही, सी का हो जाएगा ग, अपरिमित रूप से अनेक हल, 180। अब ये इसका दो आंसर है, दो आपके हो गए, इंटरनेशनल नंबर है आपका, अपरिमेय संख्या है, और इनका प्रोडक्ट देखो, इनका प्रोडक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इनका प्रोडक्ट करने के बाद एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से एक आंसर हो जाएगा, 4 में 3 क्या 1, और एक एक परिमेय संख्या है, और ये दोनों एक अपरिमेय संख्याएं हैं, इनका मल्टीप्लाई करने पर, प्रोडक्ट निकालने पर एक परिमेय संख्या आ जाती है। चलिए, इसके बाद लार्जेस्ट साइड इन अ ट्राइंगल एंगल्ड ट्राइंगल इज डैश, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज आपको पता ना, समकोण त्रिभुज कैसे बनाते हैं, हाइपोटेनस कर्ण होती है, ये आपका आधार, ये लंब और ये कर्ण, इंग्लिश के लिए हाइपोटेनस। ठीक है, चलो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ये देखो एफ चल रहा था इन्हें भी, क्वेश्चन नंबर 2 पे राइट, ये आपके वर्कशीट में भी आई थी। ठीक है, उम्मीद है इन्होंने आपने कर लिया होगा, ये तो ईजीएस्ट है एकदम। 00 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, तो मैंने कैसे लिखा है मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रहा, इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, फिर x बराबर 0.111, अब किसी का ये 3 बार होगा। अब मैं फॉर एग्जांपल x बराबर 0.111, चाहे 111 कितने भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी का 3, किसी का 4 आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 3 से काम बन जाता है, 3 ले लेते हैं हम। समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, एक जो ये समीकरण इसको 1 माना, 1 में 10 से गुणा कर देंगे, गुणे में 10, गुणे में 10, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दिया, तो यहाँ दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा आपका, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 इस तरफ चला जाएगा, तो 1.1111, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस 1, ये आपका समीकरण 2 है और ये 1 है। इस प्रकार से समीकरण 2, समीकरण 1 में से घटा देंगे, पीछे भी सब 0 आ जाएगा, ये सब इधर का सब 1 1 है, तो सब 0 हो जाएगा, यहाँ में से 1 आ जाएगा, 10 में से जाएगा तो आपका 9x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9x बराबर 1 और x बराबर 1/9 आपका आंसर हो जाता है, प्यारा सा आंसर। क्वेश्चन नंबर राइट एंड पी बाई क्यू फॉर्म, फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स, निम्नलिखित बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 का, ये इस प्रकार ये है, पी एक्स ये है, इसके बराबर आपको 0 लिख लेना होता है, सेम का सेम, सेम का सेम, ये उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ये वहीं का वहीं है। ठीक है, अब x बराबर ये 2 उधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा, तो ये उधर जाएगा तो बटे में, -5/2 x का x पहले का आंसर, और दूसरे के लिए इसका 0 ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो ए स्क्वायर
यहाँ पे माइनस जीरो लगा लेंगे यहाँ पे, फिर 49, 49, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इधर है तो ये 49 जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। कब कई कई बच्चे समझ जाओगे, बच्चे इतने तो समझ जाओगे आप, ठीक है। अगर ये एक्स को भी उधर लेगा दोनों तरफ माइनस माइनस काट देंगे तभी प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ पे 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, अब स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे एक्स बराबर 7 हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। 3, 4 का फाइंड द फैक्टर ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 5y-6, वाई स्क्वायर प्लस 5y-6 का गुणनखंड कीजिए। चलिए कर देते हैं, कीजिए कह रहे हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 5y-6 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यही ना, 1 के 6 मल्टीप्लाई 1 बराबर 6, 6 किसके किसके बड़े में आता है, 3 के 2 के और 6 के, या 3 2 6 भी कर सकते थे, मैंने 6 1 6 ले लिया, ठीक है। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y-y 6y में से 1y गए तो 5 आ जाएगा और 6 कम 6 मल्टीप्लाई करने के बाद आ भी रहा है, तो इन दोनों में कॉमन, फिर इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है y, यहाँ पे y निकल गया 6 और जो यहाँ बचा वो यहाँ बचना चाहिए, y प्लस 6 तो y प्लस 6, अब इसको y-6 बना तो -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम सिम ऊपर वाला आ जाएगा, तो y प्लस 6 y-1, ठीक है, अब आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, और इसको सॉल्व करना है आपको अच्छा फॉर्मूला लगा के सूत्र से सरसमीका का इस्तेमाल करते हुए, तो ये रहा आपका, ठीक है, 100 प्लस 6 100-6, एक ब्रैकेट में प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, है ना फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 36 घटा देंगे अच्छा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ, फाइंड द सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन इसका ज्ञात करना, फाइंड द इसका हल ज्ञात करना है, 2x + y = x + 5 के दो हल ज्ञात करने हैं, ये रहे, ठीक है, मैंने पहले क्वेश्चन लिख ली, पहले x बराबर क्या ले लिया मैंने, 0 ले लिया, जहाँ पे x था वहाँ पे 0, जहाँ पे x था वहाँ पे 0, 0 मल्टीप्लाई करने पर 0, y का y, 0 में जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा, किस संख्या में 0 जोड़ेंगे तो कुछ नहीं, y का वही हो जाता है, 5 के 5, तो y बराबर 5 आ गया। अब के बार क्या ले लिया हमने, 1, यहाँ पे 2 3, अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, हमने 2 ही ज्ञात करने थे, यहाँ पे 2 ले लिया, 2 का 2, यहाँ पे x की जगह 1, y का y, x की जगह 1, 5 एक 5, 2 एक कम 2, y का y, 5 एक 6, 2 उधर जाएगा माइनस को जाएगा हटा देंगे आ जाएगा, सही हो जाएगा आपका इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर x-40 x-20 एंड हाफ x-10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x-10, फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, किसी त्रिभुज के कोण x-40 x-20 तथा x/2 - x/2 - 10 एक्स का मान और तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो पता होगा तो किस प्रकार से लिखेंगे, मैंने इस प्रकार से लिखा है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 बराबर 180, क्यों, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, आप लिख भी सकते हैं नहीं तो आपको पता ही है, एंगल 1 इसको ये था, एंगल 2 ये था, एंगल 3 ये था, ठीक है, यहाँ पे x-40, यहाँ पे ब्रैकेट मैंने खोल दिया है, यहाँ पे तो ये x ये वाला x, तो तीनों को मैंने पास में ले लिया, -40 -20 -10 -40 -20 -10 एक साथ ले लिया बराबर 180, ठीक है, इन दोनों का बटे में एक लेके, अब वैसे अलग अलग तरीके बच्चे सॉल्व कर सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है, बटे में करके दो तीन को एलसीएम ले लिया, ठीक है, 2x 2x और यहाँ पे x हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे -7 -70, 4 2 6 1 7 17 हो जाएगा, ठीक है, 2 2 4 1 5, 5x/2 और बराबर 70 - 2 4 के प्लस हो जाएगा 180 + 70, तो 5x/2 250, ठीक है, 7 5 12 7 7 14 1 15 1 1 2, ठीक है, 250 ठीक है आपका। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, 5x/2 बराबर 250, x बराबर 250, यहाँ पे 5/2 याद रखना, बार बार बोल, 5/2 और बराबर उधर जाता है तो उल्टा हो जाता है 2/5, तो यहाँ से काट देंगे 5 5 25 50 50 × 2, ठीक है, 5 2 10 100 100 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो एंगल 1 बराबर ये था, एंगल 2 बराबर एंगल 3 बराबर ये था, एक्स का मान भी आ गया, 100 में से 40 60, 100 में से 20 80, 100/2 50, 50 - 10 बराबर में 40, जोड़ दोगे 8 4 12 6 18, 180 हो गया आपका। प्रश्न नंबर 8, इंग्लिश वाले और मैथ वाले तो सब पढ़ ही रहे होंगे वाले ना, चलो तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से आपका, ठीक है, आराम से कर सकते हो आप, आराम से कर सकते हैं आप, आराम से, ठीक है, तो ये रहा, ये अलग अलग प्रकार से करने का तरीका होगा, लेकिन इसका आंसर है 12 सेंटीमीटर का आएगा,
पाइथागोरस वाला है, ये तो सिक्स क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपको तो आना भी चाहिए। माय सीबीएसई क्लास की इस प्यारे से वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है वर्कशीट थोड़ी सी फुर्सत तो मिली होगी, मिली ही होगी या मिल जाएगी, देखते हैं सोमवार को क्या होता है, आपकी वर्कशीट आती है कि नहीं आती। देखो मैं कह सकता हूँ लेकिन जब तक मुझे प्रूफ नहीं मिलेगा मैं तब तक आपकी बार नहीं कहूँगा कुछ भी, इसके ऊपर कमेंट्स नहीं करना चाहता। उम्मीद है बाकी चीज़ों के मैं सलूशन जल्दी लाऊंगा ताकि आप अपने क्वेश्चन आंसर मैच कर सकें और अपने पीरियोडिक जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें अपने नंबर कन्फर्म कर सकें कि आपको कितने मिल सकते हैं। मैं सीबीएसई क्लास की इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों। जय हिंद जय भारत।